हेलो फ्रेंड्स, आईक्यू एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो वन का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोड। गोड जो है वो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, तो थ्री का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप समूह। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। फोर नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो फोर का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संथाल। क्या संथाल, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। फाइव नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो फाइव का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। कौन, भोटिया। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो सिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए मणिकपुर, ऑप्शन नंबर ए मणिकपुर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, गोड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो सेवन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। एट नंबर क्वेश्चन है, आवो जनजाति संबंधित है, तो एट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। आवो जनजाति जो है वो संबंधित है असम से, ऑप्शन नंबर डी। नाइन नंबर क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मणिकपुर, ऑप्शन नंबर डी। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिकपुर में, ऑप्शन नंबर डी। दस नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो दस का आपका आंसर हो जाएगा, तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी। भील जनजाति जो है वो मुख्य रूप से कहाँ रहती है, तो तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि गुजरात में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी, ये तीनों जगह पर भील जनजाति रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का निवास करती है, तो ग्यारह का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड। क्या झारखंड, मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ रहती है, झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बारह नंबर आपका क्वेश्चन है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है, तो बारह का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। आदिवासी समूह सहरिया जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो तेरह का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर डी। चौदह नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो चौदह का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थारू उत्तराखंड। ये जो है ये सही है, जनजाति जो थारू है वो मूल राज उत्तराखंड में ही रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो पंद्रह का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थारू, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो थारू है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, वो है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति है वो सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सोलह का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। भील जनजाति जो है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है,
अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति जो है वो भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। कौन सा राज्य से? असम राज्य से। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, थारू जनजाति पाई जाती है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तराई प्रदेश में। थारू जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तराई प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चेचू। चेचू जो है वो जनजाति वो केरल में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है, हरियाणा राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।